इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या डीएसएल क्या होता है। डीएसएल दरअसल हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर हम टेलीफोन लाइन का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो हम बैंड यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी इंटरनेट की जो बैंड विड्थ है वो इसमें बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और उस इंटरनेट को हम नाम देते हैं ब्रॉडबैंड का। ये जो थी डेवलपमेंट थी डायलप लाइन में, डायलप कनेक्शन में, वहाँ पे हमने जो बैंड विड्थ है उसको हमने इंक्रीज कर दिया, ब्रॉड कर दिया, जिससे हमारे पास ओवरऑल इंटरनेट की स्पीड जो है वो बढ़ गई। अब ये जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है जिसको हम डीएसएल कहते हैं, ये डिजिटल डाटा इसमें ट्रांसमिट होता है ओवर टेलीफोन लाइंस। हमें अच्छी तरह से पता है कि टेलीफोन लाइन के अंदर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है और कॉपर वायर जो है वो अपने अंदर से एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही होती है। तो हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो कि डिजिटल डाटा को डील कर सके। अब हम समझते हैं कि डिजिटल डाटा किसे कहते हैं। डिजिटल डाटा अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर अपने तमाम प्रोसेसिंग डिजिटल डाटा में कर रहा होता है, यानी कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा होता है, जैसे कि उसमें मौजूद जो पिक्चर्स हैं या उसके अंदर जो डिफरेंट वीडियोज़ हैं या और जितनी भी उसके अंदर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की, वो तमाम डिजिटल फॉर्म में होती है। तो हमारा टारगेट ये था कि हम किसी तरह से डिजिटल डाटा लार्ज अमाउंट में ट्रांसमिट कर सकें टेलीफोन लाइन में। तो डीएसएल के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट नहीं चाहिए, आपके पास ऑलरेडी जो टेलीफोन लाइन का जो स्ट्रक्चर बिछा हुआ है वही काफ़ी है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो आपको जिस चीज़ का इजाफा करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडेम। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक मॉडेम दिखाया गया है। ये हमारे पास एक डिवाइस होती है जो करती क्या है, जो हमारी एनालॉग सिग्नल को रिसीव करती है और एनालॉग को रिसीव करने के बाद उसको कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल में, 1-0 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करती है, ताकि कंप्यूटर जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। अब यहाँ पे आप देखें कि लेट सपोज यहाँ पे PTCL सेंट्रल ऑफिस है, ये हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। यहाँ से एक DSL लाइन बिछाई गई है जो कि एक फ़ोन लाइन है, और वहाँ से ये फ़ोन लाइन कनेक्टेड है, हमारे घर तक पहुँच रही है। अब ये जो है ये हमारे घर का नेटवर्क है, और यहाँ पे जब ये लाइन एंटर होती है तो यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है जो क्या कर रही है, इस लाइन को स्प्लिट कर रही है, यानी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फिल्टर है, यहाँ से एक वायर जो होगी उससे हम अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि दूसरी जो वायर होगी वो मॉडेम में जा रही है, और मॉडेम उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है डिजिटल सिग्नल में, और वो डिजिटल सिग्नल रिसीव हो रहा है इस राउटर को, राउटर उस सिग्नल को आगे फॉरवर्ड कर रहा है हमारे कंप्यूटर्स तक, या वायर के ज़रिए या वायरलेस वाईफाई के ज़रिए। तो इस तरह से हम घरों में अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। PTCL का जो इंटरनेट है वो आमतौर पर DSL इंटरनेट है। अब इसके अंदर DSL की दो टाइप्स होती हैं, वो हमने पढ़नी है। DSL की दो टाइप्स होती हैं, एक जिसको हम कहते हैं ADSL। ADSL क्या होता है? ADSL कहते हैं एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और एक दूसरी टाइप है, उसको भी हम पहले देख लेते हैं। दूसरी टाइप है, उसका नाम है SDSL, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन उस फर्क को हमने समझना है। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के अंदर हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन होती है, यानी कि हम डाटा डाउनलोड कर सकते हैं और हम डाटा अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, इसके अंदर भी हमारी जो वायर है कम्युनिकेशन की, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक जिससे हम डाटा डाउनलोड करते हैं और एक जिससे हम अपलोड करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ADSL में जो हमारी डाउनलोडिंग डाटा की कैपेसिटी है, वो वायर वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, यानी 75% हम वायर डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसका 25% जो है वो बाकी अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसके मुकाबले में जो सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, इसके अंदर हमारे पास 50% डाउनलोडिंग के लिए और 50% जो है वो अपलोडिंग के लिए इस्तेमाल होती है हमारी कम्युनिकेशन लाइन। तो ये फ़र्क है दोनों में। जो लफ्ज़ एसिमेट्रिक है, इसका मतलब होता है अनइक्वल। अनइक्वल से मुराद यही है कि यहाँ पर जो डाउनलोडिंग डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड में फ़र्क है। इसी तरह जो सिमेट्रिक है, इसका मतलब है इक्वल, यानी जितना आप डाउनलोड कर सकते हैं उतना ही आप अपलोड कर सकते हैं।
तो इस वजह से इसे एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कहा जाता है। ए डी एस एल आमतौर पर इस्तेमाल होता है होम्स में, घरों में, क्योंकि हमने घरों में ज़्यादातर डाटा डाउनलोड करना होता है, अपलोड कम करना होता है, जबकि सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है एस डी एस एल जो है ये इस्तेमाल होती है इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे आपको ज़्यादा अमाउंट में डाटा अपलोड करना पड़ता है। तो डी एस एल जो है इसकी आमतौर पे जो स्पीड है वो 128 KB/s से स्टार्ट होती है और ये आगे बढ़ती है 8 MB/s तक, और इसमें मज़ीद डिवेलपमेंट हो रही है। अब इसके अंदर एक और चीज़ आपको बता दूं कि डायलप कनेक्शन में और डीएसएल में फ़र्क ये हुआ कि इससे पहले जो हमने डायलप कनेक्शन स्टडी किया था उसकी स्पीड काफ़ी कम थी, उसके अंदर जो हमने स्पीड स्टडी की थी वो थी 56 KB/s। तो डीएसएल जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ और ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा एक सेकेंड में ट्रांसमिट कर सकता है। और डायलप कनेक्शन में आपको मैंने ये बताया था कि वहाँ पर अगर आप यहाँ पे डायलप कनेक्शन का अगर हम यहाँ से डीएसएल को रिप्लेस करके डायलप कनेक्शन यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा कि आप एक वक्त में एक चीज़ इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी या तो आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करेंगे या आप उस डायलप कनेक्शन से इंटरनेट का यूज़ कर सकेंगे, दोनों का इस्तेमाल आप एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन डीएसएल का फ़ायदा ये है कि अगर आप एक वक्त में फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि डीएसएल यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है।